गाइस इन दिनों इंडियन बॉक्स ऑफिस पर साउथ सिनेमा के दिग्गज कलाकार धनुष स्टार फिल्म रॉयन और हॉलीवुड इंडस्ट्री की फिल्म डेडपूल 3 के बीच जमकर क्लेश देखने को मिल रहा है। आपको बता दें इन दोनों फिल्मों को आज सिनेमाघरों में रिलीज हुए 18 दिन पूरे हो चुके हैं। इस वीडियो में हम इन दोनों फिल्मों के 18वें दिन की इंडियन और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसके साथ ही इस वीडियो में हम इन दोनों फिल्मों के 19वें दिन की इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में भी आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं हॉलीवुड इंडस्ट्री की फिल्म डेडपूल 3 के बारे में। आपको बता दें ये एक एक्शन थ्रिलर कॉमेडी ड्रामा से भरपूर फिल्म है। साथ ही साथ आपको बता दें इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 4000 से ज़्यादा की स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। वहीं इस फिल्म के स्टार कास्ट में हमें रियान रेनाल्ड्स, लेस्ली उगम्स, ह्यूग जैकमैन, ब्लैक लिवली, एमा कोरिन और डफने कीन जैसे कलाकार नजर आए हैं। वहीं आपको बता दें इस फिल्म का निर्देशन शॉन लेवी ने किया है। साथ ही साथ आपको बता दें इस फिल्म को IMDb पर 8.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। वहीं अगर बात की जाए इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, आपको बता दें इस फिल्म ने अपने पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस से 21 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। पहले हफ्ते में इस फिल्म ने 89 करोड़ 90 लाख, दूसरे हफ्ते में 27 करोड़ 90 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। वहीं 16वें दिन इस फिल्म ने 3 करोड़ 45 लाख, 17वें दिन 3 करोड़ 45 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। वहीं इस फिल्म ने अपने 18वें दिन यानी अपने तीसरे सोमवार को इंडियन बॉक्स ऑफिस से 1 करोड़ 15 लाख रुपए के रेंज में कलेक्शन किया है। इस तरह से फिल्म डेडपूल 3 का टोटल 18 दिनों में इंडिया में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 128 करोड़ रुपए का हो गया है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें इस फिल्म का बजट 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर या इंडियन रुपीस में कहे तो इस फिल्म का बजट 1675 करोड़ रुपए की रेंज में बताया गया है। साथ ही साथ इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में चर्चा की जाए तो आपको बता दें फिल्म डेडपूल 3 ने अब तक दुनिया भर से तकरीबन 8750 करोड़ रुपए की रेंज में दमदार कलेक्शन कर लिया है। साथ ही साथ इस फिल्म के 19वें दिन की इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में चर्चा की जाए तो आपको बता दें ये फिल्म अपने 19वें दिन यानी अपने तीसरे मंगलवार को इंडियन बॉक्स ऑफिस से 1 करोड़ रुपए की रेंज में कलेक्शन करने वाली है। वहीं जब बात कर लेते हैं साउथ सुपरस्टार धनुष स्टार फिल्म रॉयन के बारे में। आपको बता दें ये एक एक्शन थ्रिलर ड्रामा से भरपूर फिल्म है। साथ ही साथ आपको बता दें इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 2000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। वहीं इस फिल्म की स्टार कास्ट में हमें धनुष, तुषारा विजयन, सुदीप किशन, कालिदास जयराम, SJ सूर्या, प्रकाश राज और नित्या मेनन जैसे कलाकार नजर आए हैं। वहीं आपको बता दें इस फिल्म का निर्देशन धनुष ने ही किया है। साथ ही साथ आपको बता दें इस फिल्म को IMDb पर 6.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। वहीं अगर बात की जाए इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, आपको बता दें इस फिल्म ने अपने पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस से 13 करोड़ 65 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। पहले हफ्ते में इस फिल्म ने 60 करोड़ 10 लाख, दूसरे हफ्ते में 23 करोड़ 85 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। वहीं इस फिल्म ने अपने 16वें दिन 2 करोड़ 15 लाख, 17वें दिन 3 करोड़ 75 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। वहीं इस फिल्म ने अपने 18वें दिन यानी अपने तीसरे सोमवार को इंडियन बॉक्स ऑफिस से 1 करोड़ 15 लाख रुपए के रेंज में कलेक्शन किया है। इस तरह से फिल्म रॉयन का टोटल 18 दिनों में इंडिया में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 91 करोड़ 40 लाख रुपए का हो गया है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें इस फिल्म का बजट 50 करोड़ रुपए की रेंज में बताया गया है। साथ ही साथ इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में चर्चा की जाए तो आपको बता दें फिल्म रॉयन ने अब तक दुनिया भर से तकरीबन 147 करोड़ 20 लाख रुपए की रेंज में कलेक्शन कर लिया है। साथ ही साथ इस फिल्म के 19वें दिन की इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में चर्चा की जाए तो आपको बता दी ये फिल्म अपने 19वें दिन यानी अपने तीसरे मंगलवार को इंडियन बॉक्स ऑफिस से 1 करोड़ रुपए के रेंज में कलेक्शन करने वाली है। वैसे गाइस आपको हॉलीवुड इंडस्ट्री की फिल्म डेडपूल 3 और साउथ सिनेमा के दिग्गज कलाकार धनुष स्टार फिल्म रॉयन में से कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा पसंद आई, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय देना मत भूलिएगा। वहीं ऐसी वीडियो की अपडेट के लिए हमारे चैनल मूवी फॉर अपडेट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।